गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द फ्रीडम स्ट्रगल. प्रीवियस वीडियो वी कवर्ड अप टू नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, झंडा सत्याग्रह, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, द फॉरेस्ट स्ट्रगल ऑफ तूरिया जंगल, जंगल सत्याग्रह, इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरीज ऑफ मध्य प्रदेश, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये सभी टॉपिक्स कंप्लेन किए थे. तो टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स. फर्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट इन मध्य प्रदेश. इसमें जबलपुर, इंदौर, भोपाल, विंध्य प्रदेश, ग्वालियर. नेक्स्ट टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट. एंड थर्ड टॉपिक रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन नेशनल अवेकनिंग. एंड फोर्थ टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक जबलपुर. इन द फ्रीडम स्ट्रगल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जबलपुर वॉज इम्पॉर्टेंट. चिदम्बरम पिल्लई एंड हिज एसोसिएट्स ऑफ रॉबर्टसन कॉलेज सेट अप अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हियर. श्री पिल्लई वॉज एसोसिएटेड विद द वेल नोन इंसिडेंस कामागाटा मारू इन द ईयर 1916 एंड 1917. लोकमान्य तिलक हैड कम टू जबलपुर. महात्मा गांधी हैड ऑल्सो विजिटेड जबलपुर इन द ईयर 1921. द सिटीजन ऑफ जबलपुर हैड गिवेन अ सम ऑफ ₹20,000 फॉर द स्वराज निधि फंड. द झंडा सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड फ्रॉम जबलपुर. इन द इंसिडेंट्स ऑफ ट्रेडिंग द ट्राइकलर बाई अ यूरोपियन कमिश्नर अ फोर्सफुल मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज एंड पीपल टू काउट अ प्रोसेसन इन प्रोटेस्ट. द लीडर्स ऑफ दिस मार्च वर पंडित सुंदरलाल, श्रीमती चौहान एक्सेट्रा. चिदम्बरम पिल्लई ने एंड हिज एसोसिएट्स ऑफ रॉबर्टसन कॉलेज सेट अप अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हियर 1916 एंड 1917 में लोकमान्य तिलक जबलपुर आए थे. महात्मा गांधी ने भी 1921 में जबलपुर विजिट किया. सॉल्ट सत्याग्रह में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा और सेठ गोविंद दास ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया. नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इंदौर. द स्पेल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस स्टेटेड इन इंदौर इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी 1907 जयनारायण प्रकाश मंडल वॉज सेट अप थ्रू विच पब्लिसिटी ऑफ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वॉज स्टार्टेड इन 1918 द कन्वेंशन ऑफ हिंदी साहित्य वॉज ऑर्गेनाइज इन इंदौर विच वॉज प्रेसिडेड बाई गांधी जी. द नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी गॉट स्ट्रेंथ ड्यू टू गांधीज विजिट टू इंदौर इन द ईयर 1920. ब्रांच ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सेटअप इन इंदौर. ए लॉट ऑफ पब्लिसिटी वॉज मेड फॉर द यूज ऑफ इंडिजीनियस आर्टिकल्स. स्वदेशी आर्टिकल्स एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्टिविटी. द पीपल ऑफ इंदौर पार्टिसिपेटेड इन द 1942 मूवमेंट. पब्लिक मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज ऑन अ लार्ज स्केल एंड फ्रीडम फाइटर्स अंडर द बैनर्स ऑफ प्रजा मंडल, मजदूर संघ, कांग्रेस एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वर पुट इन जेल 1907 में. जयनारायण प्रकाश मंडल वॉज सेट अप थ्रू विच पब्लिसिटी ऑफ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वॉज स्टार्टेड 1920 में. इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रांच इंदौर में सेट की गई 1946 में. इंदौर के लोगों ने इंदौर के रूलर्स को 1 ईयर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का अल्टीमेटम दिया. उज्जैन में सार्वजनिक सभा बनाने के लिए जो है बहुत सारे प्रयास किए गए. नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक भोपाल. मोहम्मद बरकतुल्ला कंटिन्यूसली मेड एफर्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया
वाइल लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज ही वॉज मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप इन काबुल. पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्टेड इन भोपाल फ्रॉम द ईयर 1934. इन दिस वेरी ईयर पब्लिकेशन ऑफ टू वीकली पेपर्स वॉज स्टार्टेड VIZ उर्दू बाई सकीर अली खान एंड प्रजा पुकार बाई द हिंदू महासभा ऑफ भोपाल स्टेट. इन 1938 द हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन टुगेदर सेटअप प्रजा मंडल. इन द ईयर 1939 गांधी जी हैड कम टू भोपाल. इन 1942 प्रजा मंडल हैड बिकम अ वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन. इन 1946 प्रजा मंडल एंड द नवाब ऑफ भोपाल एंटर्ड इन टू द एग्रीमेंट. In 1946 itself a strong movement for merger of the state started. Master Lal Singh, Dr. Shankar Dayal Sharma, Prem Srivastava and other were arrested. Hundreds of women also came forward. Government committee in protest of the markets were closed for 22 days. The movement spread in adjoining place VIZ, Sihor, Bareilly, Udaipura, Tehsil light wildfire. Mohammad Barkatullah ने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया से बाहर रहते हुए बहुत एफर्ट्स किए. उन्हें इंडियन सेटअप ने इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बनाया. भोपाल में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ 1934 से स्टार्ट हुई. इसी साल दो पब्लिकेशंस हुए एंड उर्दू और प्रजा पुकार बाई हिंदू महासभा को स्टार्ट किया गया. 1938 में हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन ने मिलकर प्रजा मंडल को सेटअप किया. 1942 में प्रजा मंडल बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी. 1946 में भोपाल स्टेट का सेंटर में मर्ज करके मूवमेंट स्टार्ट किया गया. After a series of talks, the state was merged in the center. तो अभी तक मैंने आपको किस किस टॉपिक पर एक्सप्लेन किया. फर्स्ट टॉपिक में जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो था जबलपुर. सेकेंड टॉपिक था इंदौर एंड थर्ड टॉपिक था भोपाल. अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाती हूँ विंध्य प्रदेश. इन विंध्य प्रदेश रीवा स्टेट हैज़ प्रोमिनेंट इन द नेशनल मूवमेंट ड्यू टू नियरनेस टू अलाहाबाद. द मूवमेंट गॉट मोमेंटम हेयर अर्ली आफ्टर द नागपुर कन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस इन 1920. द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इट वर्क्स इन बघेलखंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस. मूवमेंट वर कमिटेड ऑन द नेशनलिस्ट लीडर ऑफ रीवा. प्रोमिनेंट वर्कर्स वर पंडित शंभुनाथ शुक्ला एंड कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह. इन द ईयर 1943 प्रजा मंडल वॉज ऑर्गेनाइज एंड इट्स ऑफिस वॉज सेटअप इन छतरपुर. ए डिमांड वॉज पुट अप बिफोर द किंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. विंध्य प्रदेश रीवा के अलाहाबाद के करीब होने के कारण यहाँ मूवमेंट ने जल्दी और जोर पकड़ा. यहाँ के प्रोमिनेंट वर्कर्स ने पंडित शंभुनाथ शुक्ला और कैप्टन अवध प्रताप सिंह थे. 1943 में प्रजा मंडल को सेटअप किया गया. इसका ऑफिस छतरपुर में था. वहाँ के किंग के सामने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की डिमांड रखी गई. 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद विंध्य प्रदेश के प्रिंसली स्टेट्स ने लेटर ऑफ एसोसिएशन को साइन किया. नेक्स्ट टॉपिक है ग्वालियर. ग्वालियर स्टेट वॉज स्प्रेड फ्रॉम भिंड टू मंदसौर. हियर आल्सो द नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड इन 1908. एन एग्जीबिशन ऑफ स्वदेश वॉज ऑर्गेनाइज. ग्वालियर वॉज द सीट ऑफ द रिवोल्यूशनरीज चंद्रशेखर आज़ाद वार हाइडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ग्वालियर. इन 1930 एन ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन ग्वालियर बाई फॉर बाइकॉट ऑफ फॉरेन टेक्सटाइल. द ग्वालियर गोवा कॉन्स्पिरेसी टू प्लेस इन 1932. अंडर दिस मोमेंट आर्म्स वर ब्रॉड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड वर बींग मेड अवेलेबल टू रिवोल्यूशनरीज. Those who were punished in this regard were mainly
वर्मेनली गिरधारी लाल रामचंद्रा ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन ग्वालियर ग्वालियर राज्य स्वर्ण जयंती सभा दिस सभा डिमांड फ्रॉम द रूलर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ग्वालियर स्टेट भिंड से मंदसौर तक पूरा फैला हुआ है ग्वालियर गोवा कॉन्स्परेसी टू प्लेस इन 1932 इसमें फॉरेन कंट्रीज से आर्म्स को लाकर रिवोल्यूशनरीज दिए जाते हैं ग्वालियर में ग्वालियर राजा सार्वजनिक सभा को सेटअप किया गया इस सभा ने रूलर्स से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड रखी तो इस तरह से मैंने आपको सभी इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट इन मध्य प्रदेश के बारे में एक्सप्लेन किया अब नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर प्रिवेलिंग इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट जबलपुर मंडला सागर बैतूल छिंदवाड़ा होशंगाबाद खांडवा एंड जॉइनिंग एरियाज वर डायरेक्टली गवर्न बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट दीज प्लेसेज फॉर्म पार्ट ऑफ द रिस्ट वाइल सेंट्रल प्रोविंसेस सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट महाराष्ट्र वर आल्सो इन सेंट्रल प्रोविंसेस एंड कैपिटल वॉज एट नागपुर द पीपल ऑफ द अबव एरियाज अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वर फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज देयरफोर ब्रांचेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर सेटअप इन दीज एरियाज द नेशनलिस्ट मूवमेंट वॉज मोर एक्टिव हीयर अदर प्लेस ऑफ अ प्रेजेंट मध्य प्रदेश वर अंडर द नेटिव स्टेट्स इंदौर ग्वालियर रीवा देवास भोपाल एक्सेट्रा आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 द ब्रिटिशर्स अडॉप्टेड सिंपैथेटिक एटीट्यूड टूवर्ड्स दीज रूलर्स बिसाइड द पीपल ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वर मोर ऑफ लेस सेटिस्फाइड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज स्टेट्स Therefore, the activities of nationalist movement in princely states were comparatively slow. Freedom struggle movement के समय बहुत सारे newspaper जैसे कि सुबोध सिंधु नया सिंधु प्रजामंडल पत्रिका को publish किया गया इन newspaper ने British की oppressive और injustice पॉलिसीज के खिलाफ आवाज़ उठाई इससे लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग्स जागी नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन नेशनल अवेकनिंग मैनी फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू प्रमोट नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द पीपल रोल ऑफ न्यूज़पेपर वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट द नेशनलिस्ट फीलिंग्स फर्दर गैदर्ड momentum after prominent leader like Lokman Tilak, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru. During that period many newspaper like Subodh Sindhu, Arya Vaibhav, Lokman, Prajamandal, Patrika and were published which raised voice against the oppressive and unjust policies of the British. नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट मैनी ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रीडम मूवमेंट आल्सो डिड सम कंस्ट्रक्टिव वर्क द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डायरेक्शन इन द प्रिंसली स्टेट्स प्रजामंडल एंड पब्लिक सर्विस संघ prominently came forward besides some organization to do only constructive work were started they were Gurukul 1929 Hindustani Seva Mandal Charak Sangh Gwalior Raj Seva Sangh and Harijan Sevak Sangh Lok Sevak Sangh Gram Seva and Seva Samiti etc during the freedom movement many political and social services institution were set up their way of working and policies through different their contribution in the movement was remarkable national movement ke samay kuch organizations start hui jinhone constructive kaam kiye kya kya kaam kiye the gurukul 1929
हिंदुस्तानी सेवा मंडल 1931 एंड ग्वालियर राज्य सेवा संघ, हरिजन सेवा संघ एंड लोक सेवा संघ। तो इस तरह से मैंने आपके चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया एंड आपके चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। मुझे लगता है कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वॉच करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा एंड लर्न करिएगा। थैंक यू बच्चों।